हेलो। सो अब मेरी ब्लॉग की सीरीज स्टार्ट हो रही। इतना ज्यादा लिटरली आलस था, इतना ज्यादा कि अभी तक मैंने ना कोई वीडियो भी एडिट नहीं किया। बट सोच रही हूँ वीकेंड है तो सारे वीडियो एडिट कर लेते हैं और धीरे धीरे वन बाई वन मैं पोस्ट कर देते हैं। वैसे तो ट्रिप सब करते हैं बट जो चीज़ जानने लायक है वो मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगी, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम गए थे, हमने वो प्रॉब्लम फेस की है। आप लोग ना करो, आपको पहले से ही पता हो, सो आप लोग उस चीज़ से अवेयर हो, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम गए थे यहाँ से खाटू श्याम, जो कि राजस्थान में है और तो बहुत पास में ही वहां से जयपुर है। सो सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ, अभी बहुत टाइम से बंद था वहां पे, लेकिन अभी वहां पे बहुत अच्छे से रेलिंग बना रखी है, बहुत अच्छे से चीजें कर रखी। भीड़ बहुत ज्यादा होती है, लिटरली बहुत ज्यादा होती है। सो इसमें दो चार चीजें हैं जो कि मैंने वीडियो के अंदर बताई हूँ। सो प्लीज मेरा पूरा ब्लॉग देखना। और हाँ, पूरी सीरीज वन बाई आ रही है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज जरूरी है, कहाँ कहाँ क्या करना है। सो मैंने सब कुछ बताया हुआ है। सो चलो पहले खाटू श्याम के दर्शन करो और वहां पे घूमो, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। सो जब आप पार्किंग में गाड़ी लगा देते हो और जब आप वॉक करते करते हुए मंदिर के पास जाते हो, सो आपको बाहर ही बहुत सारी मार्केट मिलेगी, जो आपको बहुत सारा सामान मिलेगा। खाटू श्याम बाबा की मूर्ति मिलेगी, ये बहुत सारे कुछ भी ले लो, वहाँ राजस्थानी कल्चर है सो राजस्थानी चीज़ें मिलेंगी, जैसे जूती या दुपट्टा, जैसे चुनरी वाले होते हैं, या साड़ियाँ, सब कुछ वहाँ पर आपको मिलेगा। सो मैं मार्केट के रास्ते से जा रही हूँ, आपको मैं सारी शॉप दिखाते जा रही हूँ, आपको भी मिलेंगी। सो आपको भी, मैंने भी वहाँ से कुछ कुछ सामान लिया है, सो आप लोग भी वहाँ से ले सकते। आए थे खाटू श्याम और यहाँ पे मैं आपको एक दो चीज़ बता रही हूँ। सबसे पहले वो पार्किंग में आपको आगे ही रुका देंगे, कम से कम नहीं तो 2 किलोमीटर, आपको बिल्कुल भी बात नहीं माननी है, बहुत आगे तक गाड़ी चला के लानी है और बिल्कुल पास में ही आपको पार्किंग मिल रही है, उस पर रुकना है। और आगे फिर आपको 1-1.5 किलोमीटर अंदर ही पतली पतली रोड, जहाँ पर बहुत भीड़ होगी वहाँ पर चल रहा हूँ, ई रिक्शा भी मिल जाएंगे, नहीं तो आप खुद भी वॉक करके जा सकते हो। मेरे साथ भी कुछ लोग ई रिक्शा से, कुछ लोग वॉक करके गए। काफ़ी अच्छा है, अभी तो उन्होंने सही बना रखा है कि रेलिंग बना रखी है, वहाँ पे आप जा जाके आराम से दर्शन कर सकते हो, कोई इतनी भीड़ नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इनकी मान्यता बहुत है और बहुत भीड़ है, मैंने पहली बार देखा है सच में, अभी तक बहुत भीड़ है। और सारी क्लिप मैं आपको दिखाऊँगी और बाबा के दर्शन भी कराऊँगी। बिल्कुल मंदिर के पीछे से जो रास्ता गया है वो बिल्कुल पार्किंग के पास बहुत जल्दी पहुंचा देगा आपको। सो पार्किंग में पहुंचते हैं, उसके लिए अब हमारा नेक्स्ट प्लान है उज्जैन का, उज्जैन में चलेंगे। सो अब आपको नेक्स्ट उज्जैन में मिलेंगे। बाय बाय।